रामू हलवाई मलकापुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू सुबह को जलेबियां तोड़ता और शाम को समोसे बनाता। वो जलेबी और समोसे के साथ में मिठाइयां भी बेचता था। दोपहर में उसका बेटा गोलू और उसकी बेटी मीनू स्कूल से लौटते समय दुकान पर आ जाया करते। पिताजी, आज गोलू के सिर पर कौवे ने पॉटी कर दी। पिताजी, आज मैडम ने मीनू की चोटी पकड़कर खूब पिटाई की, खूब पिटाई लगाई। ये क्लास में पीछे बैठकर अपनी सहेली के साथ मोबाइल में फैशन शो देख रही थी। पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। अब तुम दोनों लड़वा बंद करो, घर जाओ और अपनी माँ से कहना रसगुल्ले की चाशनी बनाकर तैयार रखे। शाम को जब रामू घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खटिया पर बेसुध पड़ी है और बच्चे उसके ऊपर हवा कर रहे हैं। क्या हुआ, अभी तक चाशनी नहीं तैयार की? अरे भाई, सेठ जी के यहाँ से 5 किलो के रसगुल्लों का ऑर्डर आया है। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। कितने दिन से कह रही हूँ कि एक कूलर ले आना, बिना कूलर के मुझसे काम नहीं होगा। रामू को मजबूरी में एक कूलर खरीद कर लाना पड़ता है। मैं कूलर के सामने सोऊंगा। तेरा कच्चा उड़ जाएगा, तू रहने दे, मैं कूलर के सामने सोऊंगी। अब रामू की पत्नी आराम से कूलर की हवा में चाशनी और मिठाई वगैरह का सामान तैयार करती। एक दिन पड़ोस वाली पिंकी रामू के घर आती है। भाभी जी, घर पर ससुराल से थोड़े मेहमान आ गए हैं। हमारे घर चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, कल शाम को वापस कर देंगे। हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ, तुम बैठो। पिंकी को रामू के घर नया कूलर आया देखकर बहुत जलन होती है। हम अपने घर गर्मी में मरे जा रहे हैं और यहाँ ये लाड साबनी कूलर में बैठी रहती हैं। तभी रामू की पत्नी चीनी लेकर आती है। लो पिंकी, चीनी और बढ़िया सी चाय बनाकर मेहमानों को पिलाना। रात में जब मेहमान चले जाते हैं तो पिंकी अपनी सास से कहती है, अम्मा जी, रामू के घर कूलर आ गया है। पूरे गांव भर में किसी के घर कूलर नहीं है। ये रामू कभी हमारे घर नौकर हुआ करता था, अब तो खूब कमाई कर रहा है मिठाई बेचकर। तू ऐसा कर, कल जब चीनी वापस लौटाने जाए तो चीनी में मच्छर मारने वाला स्प्रे छिड़क देना। अगले दिन पिंकी चीनी में खूब सारा मच्छर मारने वाला स्प्रे छिड़क देती है और रामू की पत्नी के पास चीनी वापस देने जाती है। लीजिए भाभी जी, चीनी। रामू की पत्नी उस चीनी का उपयोग जलेबी की चाशनी बनाने में कर लेती है। अगले दिन हमेशा की तरह रामू की दुकान पर जलेबी खरीदने वालों की भीड़ लगती है और लोग खूब जमकर जलेबियां खाते हैं। जलेबियां खाते ही लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, लोगों को उल्टी और दस्त होना शुरू हो जाते हैं। रामू, तूने जलेबियों में क्या मिला दिया? इसने हमें जान से मारने की कोशिश की, मारो इसे। लोग रामू की खूब धुनाई करते हैं, उसकी दुकान तोड़ देते हैं और मिठाई वगैरह सब फेंक देते हैं। रामू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तुम्हारे पति की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, रिकवर होने में काफी समय लगेगा। रामू का सारा धंधा चौपट हो चुका था। रामू की पत्नी को घर का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। गोलू और मीनू की पढ़ाई भी छूट गई। मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, ये मुझे अपनी पैंट में मिला। इधर ला 10 रुपए, सब्जी आएगी इसकी, आइसक्रीम नहीं। मैं नहीं दूंगा। देगा कैसे नहीं? गोलू की माँ गोलू को पकड़ने दौड़ती है और गोलू भागता है। गोलू गिर पड़ता है और 10 का नोट उड़कर कूलर के पीछे से कूलर में चला जाता है। कूलर के आगे से एकदम हजारों नोटों की बौछार हो जाती है। ये कैसे हुआ? मीनू अपने पर्स से 100 का नोट निकाल कर लाती है और कूलर में डालती है। आगे से कूलर की हवा के साथ हजारों 100 के नोट निकल पड़ते हैं। लगता है ये जादुई कूलर है,
जिसके पीछे से एक नोट डालो तो हजारों नोट निकल पड़ते हैं। जादुई कूलर से 1,00,000 इकट्ठे करके वे लोग रामू को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। रामू कुछ महीनों में स्वस्थ होकर घर लौट आता है। हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, भले ही जादुई कूलर हमारे पास है, लेकिन मैं फिर भी हलवाई की दुकान दोबारा खोलूंगा और मेहनत से पैसे कमाऊंगा। जादुई कूलर की बात पिंकी और उसकी सास को पता लग जाती है। अगर वो कूलर हम चुरा ले तो मजा ही आ जाए। एक रात जब रामू का परिवार सो रहा था तो पिंकी और उसकी सास चुपके से रामू के घर में घुस गए। बहू, जल्दी से इसमें पैसे डाल, फिर हम एक ही रात में अमीर हो जाएंगे। पिंकी कूलर में पीछे से कई सारे नोट डालती है। कूलर से एकदम बहुत तेज गर्म हवा निकलती है। पिंकी और उसके सास के मुंह जल जाते हैं। लगता है तूने कोई गड़बड़ कर दी, फिर से डाल पैसे। पिंकी दोबारा कूलर में पैसे डालती है। कूलर से आवाज आती है, मैं लालची लोगों की मदद नहीं करता, तुमने अपने लालच को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, अब परिणाम भुगतो। कूलर से नुकीले तीर निकलते हैं। भागो! पिंकी और उसकी सास भागते हैं और तीर उनकी पीठ में भुग जाते हैं। पिंकी परेशान होकर रामू के घर कूलर वापस दे आती है। माफ कर दीजिए भाभी जी, हमने आपका जादुई कूलर चुराया और इसका परिणाम भी भुगत लिया। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला होती है।